चलो पीछे हटो। चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड प्लस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आज है वेडनेसडे और 19 तारीख है, आज वेडनेसडे है। और आज सुबह थोड़ी सी लेजी चल रही है, क्योंकि रात को हम काफ़ी देर से सोए थे, तकरीबन 12:30 बज गए थे, क्योंकि कोई ज़रूरी काम था, बच्चों का कंप्यूटर का कोई काम था जिसमें जो है ना हम लगे हुए थे, और नेट भी स्लो था, तो बड़ा जो है ना मसला हो रहा था। खैर करते करते काफ़ी लेट हो गए। नॉर्मली हमारी आदत नहीं है इतना लेट सोने की, तो हम टाइम से सो जाते हैं, तो रात जो है ना लेट हो गए थे, इसलिए सुबह जो है ना सर में दर्द हो रहा था और उठने का मूड नहीं हो रहा था। तो अगर बंदा थोड़ा सा लेट सोए ना अपनी रूटीन से, तो अगले दिन की सारी रूटीन ना डिस्टर्ब हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही है, बस कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, थोड़ा लेजी फील हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चल जाएगा। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, हालांकि उनका भी दिल नहीं था उठने का, लेकिन फिर भी जाना तो था। खैर हादी जो है ना इस वक्त नहा रहा है, अभी 10 बजने वाले, अभी वो नहा लेगा, थोड़ी देर उसने खेलना होता है वॉशरूम में पानी के साथ, तो 5-10 मिनट जो है ना मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है ना गपशप लगाती हूँ, और अभी जो है ना उसको जाऊँगी नहलाऊँगी और फिर उसकी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है आज मुझे, मेरा ख्याल है मुझे अपने घर के जो है ना फ्लोर मैट वॉश कर लेने चाहिए। आज मेरा प्लान है, मैं कल परसों से सोच रही हूँ कि मुझे ये वॉश करने हैं, क्योंकि थोड़े गंदे हो रहे थे, और वैसे भी आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर ऐसी चीज़ें ड्राई नहीं होती। तो अभी जब तक धूप है तब तक कोशिश करूँगी कि सारे जो है ना काम इस तरह के हो जाए, ताकि हमारे सर्दियों के दिन ना अच्छे से गुजर जाएँ। और सर्दियों में क्योंकि ये ड्राई होने में चीज़ें टाइम लेती हैं, इसलिए जो है ना सर्दियाँ आने से पहले, मतलब ज़्यादा सर्दियाँ धुंधे वगैरह आने से पहले पहले ये काम हो जाए, तो 3-4 महीने बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे। गर्मियों में तो इतना मसला नहीं हुआ था, अगर आपने वॉश किए सुबह में तो शाम में ड्राई हो जाते हैं, लेकिन आगे मौसम जो है ना चेंज हो रहा है, तो खैर कपड़े भी निकलेंगे। अभी मेरा दुपट्टा एक निकल आया, कल मैंने थोड़े से कपड़े निकाले थे हादी के, जो है ना कपड़े भी बच्चों के निकालने हैं, तो बहुत सारे काम है करने वाले। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। हादी साहब जो है मुझे आवाज़ें दे रहे हैं आ जाओ वॉशरूम में, तो जाती हूँ अभी उसको नहलाती हूँ। और अभी जो है ना अभी क्या करना, हाँ अभी मुझे कपड़े वॉश कर लेने चाहिए, लोड लगाती हूँ वॉशिंग का, और फिर हादी को निकालती हूँ। आज मेरा दिल नहीं हो रहा, बस ना बड़ी लेजीनेस हो रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है, तो मेरा मूड है कि आज मैं रेस्ट करूं, कुछ खास ना करूं, लेकिन ये होता नहीं है। वैसे नॉर्मली हम बंदे सोचता है कि आज मैंने रेस्ट करनी है, लेकिन फिर भी रेस्ट कर नहीं सकता। खैर देखते हैं कैसा जाता है दिन, तो बस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। तो फिर आ जाए, फिर चलते हैं अपने जो है ना घर के काम करते हैं। सबसे पहले जो है ना मुझे लोड लगाना है, और मैं भूल जाती हूँ हमेशा कि मुझे इसको यहाँ
रहे हमारे सारे फुट मैट, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे टॉयलेट में और उनको वॉश करेंगे। यहाँ पे जो है ना, ये अभी आप इसको वॉशरूम को टॉयलेट को इग्नोर करें, क्योंकि मेरा वॉशिंग कह रहा है चलो वीडियो बनाएं, कुछ खाना बनाएं और वीडियो बनाएं। चलिए जी, मशीन की जो है ना टींटी आ गई है, बंद हो गई है, तो कपड़े भी हो चुके हैं, जल्दी से निकालते हैं और इनको डालते हैं बाहर। ये सारे ना लाइट कलर्स वाले कपड़े थे लॉन के, सारे मैट जो है ना मैंने भिगो दिए थे। यहाँ से मशीन का ड्रेन निकलता है ना सर्फ वाला पानी, तो सारा इनको लग गया है। खैर मैं तो एक्स्ट्रा सर्फ डाल के और से वॉश करूँगी ना, लेकिन जब तक ये सोख होंगे ना तो वो पानी भी यूज़ हो जाएगा। देखा फिर मैं कितनी सियाणी हूँ। आइए मेरे कपड़े जल्दी से डाल दूँगी बाहर। ये दे दो मुझे बेटा, फाते नहीं है, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। को ना हर रोज़ पोटैटो कटलेट्स खाने होते हैं, कल भी अभी मैंने बनाए थे, लेकिन जनाब आज फिर खाने बनाए। फिर थोड़ी देर हो गई है, 2 घंटे हो गए इसको भीगे हुए, तो फिर से पानी डालती हूँ, सर्फ डाल के फिर से सोक कर देती हूँ, फिर जो है ना ब्रश मार देंगे। कटलेट्स ब्रेड के ऊपर लगा दिए हमने आलू, यहाँ पर रेडी हो गया बेसन, ऑयल गर्म हो रहा है, फ्राई कर लेंगे। रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हादी को बार बार वही खाना है। देख रहे हो ना मट्टी, ये जो है तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम होगा और हम लोग लंच वगैरह खा के फ्री हो चुके थे। और तो फिर मुझे भूल गया था कि मैंने तो मैट्स भिगो के रखे हैं, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा इनको मैं जल्दी से वॉश कर लूं, तो अभी इनको काफ़ी देर हो गई थी भीगे हुए, बस अब जो है ना मैं ब्रश के साथ इनको जो है ना ब्रश लगा के तो वॉश कर लूँगी, और बड़े आराम से जो है ना अब साफ़ हो रहे थे, बस मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, बस ब्रश लगाया और साफ़ हो गए। और जनाब हमारे ना नीचे वाले आई थिंक नीचे वाले घर में कोई शिफ्ट हो रहा है, तो पीछे से मुसलसल ठक ठक की आवाज़ें आ रही, दिमाग में लगती हैं आजकल लोगों के फ़ैन बंद हो गए हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ जो है ना वो आती है, तो अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर। तो खैर यहाँ पर जो है हमारे मैट साफ़ हो रहे हैं और बातें कर रही हूँ मैं हादी से, क्योंकि वो मेरी वीडियो बना रहा था, वो उसको मैं बोलती थी कि कैमरा ऑन कर दो तो वो कर देता है, और जब मैं उसको कहती हूँ बंद कर दो तो वो बंद कर देता है। खैर उसकी भी बहुत सारी पीछे शोर होता है, लेकिन खेलता रहता है और मज़े से जो है ना ट्राइपॉड में मुझे पीछे से देखता रहता है, तो उसके लिए ये बड़ी इन्जॉयमेंट है। आजकल वो जो है ना वीडियोस को बड़ा इन्जॉय कर रहा है, तो मैं खैर वीडियोस बनाती भी सिर्फ उसी के लिए हूँ, क्योंकि वही मेरा सबसे बड़ा फ़ैन है, और मैं सिर्फ़ उसके लिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि वो उसको देखनी अच्छी लगती है, उसको मज़ा आता है।
खैर जनाब, यहाँ पर हमारे मैट हो रहे हैं वॉश, बस इनको मैं सबको वॉश कर दूँगी और वॉश करके इसको धूप में डाल दूँगी। इंशाल्लाह कल तक जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, फिर हम इनको यूज़ करेंगे। और बस सोच रही हूँ आज का वीडियो यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि वॉश कर करके ना मेरे मेरे मोड़े टूट गए हैं, मेरे मोड़ों में दर्द हो रहा था इनको वॉश करके। तो आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।